हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑफ इंडियन एंड्रॉइड गेमर्स। तो गाइस, इस वाली वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं मल्टीक्राफ्ट। सो तो गाइस, पिछले वाली वीडियो में हमने हमारे मेंशन में लावा ऐड कर दिया था, हम आप लोग देख के सकते हो। तो हमें अभी इसकी डेकोरेशन करनी है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, उन्हें लेते हैं यहाँ से। जैसे कि ये, और साथ के साथ हमें इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इन्हें भी लेके चलते हैं। बाद में बाकी चीज़ों को हम यहाँ से लेते जाएंगे। अभी हमें यहाँ से अंदर जाना है, और गाइस अंदर कोई वाटर नहीं आता आप लोगों को जिसमें बताया था। अभी हमें यहाँ पे कुछ ट्रैक्स बनाने हैं, और गाइस वो ट्रैक्स तो इसलिए बनाने वो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी इस ट्रैक को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से कुछ, और एक बार फिर हमें डर्ट को हटाने के बाद यहाँ पे एक बोन मिला है। गाइज ये ग्लिच अभी भी कंटिन्यू है, और गाइज पिछले दो वीडियो के बाद दो अपडेट्स आ चुके हैं मल्टीक्राफ्ट में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आप लोगों को मैं जल्द से जल्द बताऊँगा कि कौन कौन से अपडेट्स आए और क्या क्या न्यू अलग अलग चीज़ें इसमें ऐड हुई है। तो चलो अभी सबसे पहले यहाँ से क्लियर करते हैं, और इसे क्लियर नहीं करना है हमें, हमें दो ब्लॉक्स का गैप रखना है। इसी के साथ इस तरह से हमें यहाँ पे और यहाँ पे भी करते जाना है, और उस साइड से भी ऐसा ही कुछ होगा गाइस। इस डर्ट को पूरी कलेक्ट कर लेते हैं अभी, और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लावा मेंशन में यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे पौधे थोड़ी उगाने। तो गाइस पौधे नहीं उगाने, लेकिन हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ की है जो भी आज तक किसी ने की नहीं होगी गाइस। थोड़ा अलग हट के हम कुछ करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। और गाइस थोड़ा अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे हो गए, शायद से कुछ प्रॉब्लम हुई है, यहाँ तक ठीक था। तो हमें इसे इस तरह से कुछ होगा ये बाद में इसे, और अभी हमें चाहिए होगा वाटर जो कि हमें मिलेगा बाहर से। हमें सिर्फ यहाँ पे बकेट्स लेनी है, और गाइस बहुत सारे वाटर अभी हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। मैं बहुत सारा वाटर कलेक्ट कर लिया है, अभी उसे यहाँ पे यूज करते हैं। तो मैं वाटर को यहाँ पे ध्यान से यूज करना है। और गाइस हमें हमारे पास वाटर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बाहर अनलिमिटेड वाटर है, जिसे हम जब चाहे ले सकते हैं। बीच वापस चलते हैं अंदर, और यहाँ पे वाटर के डालते जाते हैं। और गाइस अभी तीन स्लॉट्स, चार स्लॉट्स बाकी है, तो हम चार बकेट वाटर और लेके आते हैं। और इतने वाटर में हमारा काम हो जाएगा अभी जल्द से जल्द। डोर बंद करते हैं,
और गाइज ये कोई हैक नहीं किया, वाटर अंदर की तरफ नहीं आ पा रहा है, सिंपल लॉजिक है गाइज डोर की वजह से। डोर को अगर हमें ब्लॉक की तरह समझे तो हमने ब्लॉक से वाटर को ब्लॉक कर दिया है, कौन सा भी ब्लॉक लगा के या फिर डर्ट लगा के, ऐसा आप लोग दे सकते हो। तो चलो अभी यहाँ पे हमें रेड कोरल ब्लॉक्स लगाने कुछ इस तरीके से, जिनको लगाने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर हम इन्हें वाटर के ऊपर ना लगाते या फिर वाटर में ना लगाते तो इनका का कलर चेंज हो जाता है, ये ड्राई कोरल ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो हमें इन्हें यहाँ पे जल्द से जल्द अभी प्लेस करना है। और हमें सेफ्टी के लिए कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पे नीचे ये जो इस तरह से कुछ एक लाइन खींच दी हमने, फिर हमारे वॉल से गोल्डस्टोन वॉल से, तो वैसे कुछ हमें ऊपर की तरफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा ये ऊपर की तरफ ग्राउंड फ्लोर होगा और ये हमारा नीचे का फ्लोर, इसलिए हमें ऊपर भी वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। और गाइस अगर ये एक तरीके से प्लेस होनी चाहिए तो हमें इन्हें ठीक से प्लेस करना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पे ब्लॉक्स खत्म हो गए, और गाइस शायद से ख़त्म नहीं होंगे, हमारे पास ब्लॉक्स बहुत सारे ब्लॉक्स पे यहाँ पे पड़े हुए हैं, और अलग अलग चीज़ों का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और गाइस थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई, उन्हें मैं कास्टल में जाके ले आऊँगा अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो। इस बार हम थोड़ा जल्दी यहाँ पे पहुँच गए। और गाइज एक कोने वाले ब्लॉक्स किस तरह से वाटर में कन्वर्ट हो गए मुझे तो नहीं पता चल रहा है, शायद से यहाँ पे वाटर का फ्लो नहीं आ रहा है। और गाइज हमने एक बार छलांग मारी, हमें सिर्फ ये वाला ब्लॉक यहाँ पे हटाना है और उसके बाद इन्हें वापस से यहाँ पे प्लेस कर देना है। जिस तरह से हम प्लेस करके आए थे उसी तरह से। तो ऐसा कुछ यहाँ पे ना हो इसलिए यहाँ पे पहले से वाटर को अंदर जाने का रास्ता दे देते हैं। और यहाँ पे जो जो ब्लॉक्स बचे, जगह बची, वहाँ पे ब्लॉक लगाते हुए हम चलते हैं तेजी के साथ। और गाइस थोड़ी बहुत चीज़ें कास्टल से लाने के लिए हमें जाना पड़ेगा, गाइस क्या करें मुझे कुछ पता नहीं चल रहा अभी। हमारे पास थोड़ी बहुत चीज़ें हैं और थोड़ी बहुत हमें कास्टल से लानी पड़ेंगी। और गाइस यहाँ पे इस तरह से ये बन चुका है, अभी हमें जरूरत। तो गाइस ये देखो ये ड्राई वाले रेड कोलर कोरल ब्लॉक्स, हमें अभी इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, और सातवें ब्लॉक पे हमें इस तरह से यहाँ पे इसे रखना है, फिर इसे कुछ इस तरीके से। और गाइस अभी इस तरह से कुछ क्रिएट हो चुका है, इसे अभी हमें इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद
यहाँ पे हमारे बेल्ट के लिए जगह वो कुछ इस तरीके से होगी। अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली क्राफ्टिंग टेबल की, जो कि ऊपर की तरफ। अभी हमारा एक ब्लॉक वेस्ट भी हो चुका है, जल्द से जल्द चलते वाटर के ऊपर। और गाइस यहाँ पे रात भी हो रही है, सबसे पहले सो लेते हैं। नीचे कुछ पता नहीं चलता गाइस, रात हो रही है। ये एक ड्रॉबैक है इस ये वाला जो हमारा मेंशन बनने वाला है गाइस, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और गाइस इतना कोई ज़रूरत नहीं थी, ये वाले चाहिए इतने, और ये वाले। ओ गाइस हमने गलत वाले ले लिए। हमें चाहिए थे ये वाले भी, और इन सब की हमें चाहिए स्टेयर्स भी। नहीं आके ले लेते, और थोड़ी बहुत और चीज़ हमें यहाँ से चाहिए होंगी, जैसे कि ये, उसके साथ थोड़ी बहुत उड़। बेड बनाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये आर्मर स्टैंड, आइटम फ्रेम, इनमें बाकी सब चीज़ें हम बाद में भी लगा सकते हैं, इन्हें उस जगह पे लगाना ज़रूरी है। अभी इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसे भी ले लेते हैं, पोर्शन की कोई ज़रूरत नहीं हमें, वाटर की भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, और वाटर बकेट्स की भी साथ के साथ इसकी। और अभी किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये वाली इम्पोर्टेंट है तो इसे भी ले लेते, ये भी ले लेते, और इन्हें भी लेना नहीं भूलना चाहिए हमें साथ के साथ इसे। इन सब चीज़ों को भी आप ले लेते हैं, और चलते अभी नीचे, और नीचे जाके सबसे पहले हमें खाना खा लेना पड़ेगा। और गाइस अपडेट के बाद एक न्यू क्रीचर ऐड हुआ है, जो कि यहाँ पे बाहर था गाइस, ये देखो आप लोग देख ही सकते हो। इसका नाम मुझे क्या है पता नहीं, लेकिन ये अभी जो न्यू वाला अपडेट आया उसके बाद ऐड हुआ है। हमें इसे यहाँ पे प्लेस करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे ठीक तरीके से कुछ इन्हें प्लेस करना पड़ेगा। वो हमें इन्हें ध्यान से नज़र रख के, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ब्लॉक्स नहीं है, तो कुछ इस तरीके से इनका यूज़ करना है हमें। फिर हमें इसे यहाँ पे प्लेस करना है, और इसे यहाँ पे, और गाइस ये यहाँ पे जॉइंट हो चुका है। यहाँ पे ब्लॉक रख देना चाहिए था, मैं बाद में रख दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो अच्छी तरीके से वहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। और गाइस ये वेस्ट हो चुका है अभी, नहीं गाइस ये वेस्ट नहीं होगा, मुझे लगा था वापस से स्नो में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, हमारे लिए अच्छा ही है। हमें स्नो की और ज़रूरत थी, हमने इन्हें अभी कन्वर्ट भी नहीं कर सकते गाइस, स्नो हमें चाहिए थी, बाद में हमें इसे कंप्लीट करना पड़ेगा गाइस। मुझे पूरे के पूरे का यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करने चाहिए थे। अभी इस चेस्ट को यहाँ पे रखते थोड़ी देर के लिए, और बेड की रेसिपी देखते, शायद से मुझे पता है तो हम देखने वाले अभी। हमें तीन बेड चाहिए, इसलिए हम
यहाँ पे और भी बहुत सारे यहाँ रखने वाले हैं। हमें इस तरीके से यहाँ पे कुछ इन बेड्स को रखना है। और गाइस यहाँ पे हमने इन्हें भी रख दिया है। कितनी स्नो की जरूरत पड़ेगी गाइस हमें एक 7 से थोड़ा बहुत रॉन्ग प्रोसेस हो रहा है गाइस ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये सब इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। थोड़ा कुछ रॉन्ग हो रहा है गाइस यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो रही है ऐसा मुझे लगता है। चलो गाइस हाँ हमने स्नो ब्लॉक्स की यहाँ पे कमी पड़ गई थी। मैं बहुत सारे स्नो ब्लॉक्स यहाँ पे लेके आ गए हो और बहुत सारी और भी चीज़ मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ गाइस। हमें यहाँ पे जल्द से जल्द हमारा काम कंप्लीट करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे भी डिज़ाइन में हमें चेंजेस करने हैं जैसे कि गाइस कुछ ज़्यादा ही फास्ट हम मूव कर रहे हैं मुझे लग रहा है। हमें यहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक लगा देना है गाइस। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना है हम बाद में करेंगे। अभी हमें ऊपर जाना पड़ेगा और अलग अलग चीज़ों को लाना पड़ेगा। थोड़ी बहुत हमारे पास होंगी तो उनका यूज़ यहाँ पे करते हैं। हम इसका यूज़ कर चुके हैं हमें इसका यूज़ करना चाहिए अभी। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी रेसिपी होगी। तो चलो यहाँ पे हमें सोफा का बनाना है तो स्टार्ट करते हैं हमारा काम। और हमें चेयर्स भी चाहिए जिनके कुछ इस तरीके से रेसिपी यहाँ पे है। तो हमें चेयर्स थोड़ी ज़्यादा चाहिए होंगी। और गाइस चेयर्स की रेसिपी कुछ ये वाली नहीं है शायद से। और कुछ इस तरीके की इसकी रेसिपी है। और हमें यहाँ पे और एक चेयर मिल चुकी है पीने लेते हैं। और सेंटर हमें पता करना पड़ेगा ये सेंटर है तो इसके एक ब्लॉक आगे फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इन्हें प्लेस करेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से इसे हमारे पास शायद से टेबल्स भी थी ये शायद थोड़ा ज़्यादा ही करीब हो गया था। इतना भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं गई थी हमें अभी से ऐसे ही रहने देते। अभी बाकी की चीज़ें हम यहाँ पे करते जैसे कि हमें यहाँ पे इस तरीके से कुछ ये चाहिए थे। और बाकी के ब्लॉक्स को हम ले लेते भी हमें
इस ब्लैक होल को कुछ इस तरीके से यहाँ पे नीचे प्लेस करना है, और हम रेड और ब्लैक का कुछ कॉम्बिनेशन क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। कुछ इस तरीके से अभी हम जैसा हमें लगे। और गाइस हम थोड़ा ज़्यादा ही मूव कर रहे हैं इसके अंदर, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। शायद से यहाँ पर ग्रेविटी का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हम लावा के इतने करीब है। यहाँ पे सामने की तरफ चलते हैं। और ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हो भी चुका है यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे हम फ्लावर प्लॉट्स पॉट्स को लगा के उनमें फ्लावर लगा देंगे। ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि शायद से यहाँ पे हमें नहीं मिलने वाली है। शायद से मिल भी जा सकती है। भी मैं नहीं यहाँ पे रखते है। बेकार की कुछ चीज़ों को हमें फेंकना पड़ेगा गाइस। कौन सी बेकार की चीज़ें यहाँ पे है, तो चलो उन्हें फेंकते जल्द से जल्द। और गाइस फिर भी हमारी इन्वेंट्री यहाँ पे फुल हो चुकी है, जल्द से जल्द ऊपर जाना पड़ेगा और इन्वेंट्री को खाली करके आना पड़ेगा। इसका काम हो चुका है तो इसे यहाँ पे रखते हैं, साथ में इन्हें भी जल्द से जल्द नीचे चलते हैं। हमारे हमें बाकी कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये वाली जो क्राफ्टिंग टेबल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो अभी वापस से ऊपर चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सामान यहाँ से लेना है उसे लेते हैं। जैसे कि अभी इसका यूज़ था शायद से ख़त्म हो गया, तो इसे यहाँ पे रख देना चाहिए। इनको भी हमें इसकी जगह पे रखते और इसे भी रख देते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें। साथ के साथ इनकी ज़रूरत है तो इन्हें ले लेते हैं। फ्लावर्स को हम बाद में भी लेके जा सकते हैं। अभी इसे इसे अभी हमारा ये आर्मर हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। साथ के साथ ये वेपन्स कौन सी चीज़ यहाँ पे बाकी, चलो देखते हैं। ये दो हमें चाहिए थे और एक में बना लिया था। मैं फर्नेस की कम पड़ सकती है, उसे इसकी जगह पे लेते हैं। इसे यहाँ पे रखते हैं। सब कुछ हो चुका है तो चलते हैं नीचे, पहले खाना खा लेते हैं। चलो अभी जल्द से जल्द हमें अंदर जाना चाहिए, और अंदर लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत उजाला है। उसके बाद हमें इसे हटाना है, बाद में इसे अभी इसकी जगह पे इसे साथ में इसे भी ले लेते हैं। ज़रूरत है तो
कुछ अलग सा हमारे यहाँ पे क्रिएट कर देते जो कि थोड़ा अलग लगेगा। साथ के साथ हम यहाँ पे एटीएम फ्रेम्स लगा देते, इन दोनों को भी यहाँ पे लगा देंगे। अभी यहाँ पे इस तरीके से कुछ इसका मूव उस साइड पे क्यों नहीं हो रहा है। इसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है शायद से, इसे बदलना पड़ेगा हमें। तो इस बाद में भी चेंज कर सकते हैं, बी से यहाँ पे रखते हैं, इसे यहाँ पे और इसे इस तरीके से रहने देते हैं अभी, ज़्यादा कुछ ना करते हुए। फिर हमें ये वाले ब्लॉक्स लेने, इसकी ज़रूरत अभी ख़त्म हो चुकी है, अभी हमें ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। साथ के साथ ऐसे भी रहने देते हैं। फिर हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे इन्हें रखना है। गाइस हमें गोबलस्टोन की भी ज़रूरत पड़ सकती है बाद में, हमें इसकी ज़रूरत है। कुछ इस तरीके से हम इसे यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से कुछ गोबलस्टोन रखेंगे और बाद में हमें इस जो गोबलस्टोन है इसे हटा देना है और कलेक्ट भी कर लेना है। हो गई थी, इसके ऊपर हमें इस तरीके से इसे प्लेस करना है, बाद में इसे हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। बाकी सब चीज़ें तो हो चुकी है, अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी, तो इनको हमें सपोर्ट के लिए भी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि हमें इसे इस तरीके से कुछ कवर कर लेना है। फिर इसे इस तरीके से और इसे कुछ इस तरीके से, एक प्रॉब्लम हो जाएगी, उस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए मैं यहाँ पे इसे रखना है। बाद में इसे यहाँ पे और आखिर में इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। एक साइड का सेटअप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमें मिलेंगे कुछ फर्नेस, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल, ऊपर की तरफ पोर्शन शेल्फ भी, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग करने का देखते। इसके ऊपर इस तरह से हमने इसे रख दिया, हमें यहाँ पे इस तरीके से कुछ चेस्ट रखनी है। बाद में हमें इसे यहाँ से हटा लेना है और गैस हो गया। और ये कलेक्ट हो चुका है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। भाई इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम ना करते हुए इसे ऐसे ही रहने देते और सिर्फ एक इसमें ऐड करते हैं।
यहाँ पे इस तरीके से इन्हें लगा देते हैं, थोड़ी सिमिलरिटी भी हो जाएगी और ज़्यादा भी सिमिलरिटी नहीं होगी। अब इससे कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो इसे ओपन करते हुए इन्हें लेते हैं, यहाँ पे इन्हें भी ले लेते हैं। तो पिंक वाले हमने ज़्यादा यूज़ करे, तो गाइस अभी हम यहाँ पे पिलो क्रिएट करते हैं। इन सब चीज़ों को हमें बाजू में रख देना चाहिए अभी। और गाइस मेरे पिलो देख सकते हो आप लोग अभी, ये देखो गाइस ये हमने क्रिएट किया यहाँ पे पिलो, जो कि एक अमेजिंग लुक दे रहे यहाँ पे। तो ऐसे इस तरीके से रहने देते हैं, बाद में हमें इन्हें यहाँ पे इस तरीके से कुछ कवर करना है। और बीच का ये जो उसे इसी तरह से कुछ रहने देंगे। और तो ज़्यादा कुछ अभी डेकोरेशन करना बाकी नहीं है, अभी सिर्फ फ्लावर प्लॉट्स हमें लगाने हैं, जिन्हें मैं भी लेके आता हूँ। चलो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। और जो फ्लावर प्लॉट्स है यहाँ पे भी हमें लगाने पड़ेंगे, और हमारी बैक विंडो की तरफ उन सबको मैं लगा दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियोज़ गाइस। ये जगह कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन हमारी विंडो यहाँ पे अच्छी तरह से बन चुकी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो, और हमारा जो ये लावा मेंशन बना हुआ है वाटर के अंदर, अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज़।